कौन था? सुल्तान महल के मुहाफिजों का सरदार लक्ष्मण राव और उनके नायक मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद जी, ईशा की अजा हो चुकी है, पहरा बदलने का वक्त हो चुका है। जी, दिन के पहरेदारों रात के पहरेदारों को पहरा सौंप दो। चलिए। नमस्कार पुर्णिया जी। नमस्कार। आदाब अर्जा पुर्णिया जी। आदाब। लक्ष्मण राव जी, सुना है तुम लोगों को संबोधित अच्छा कर लेते हो। संबोधित क्या कर लेता हूं, बस मन की अच्छी बुरी भावनाओं को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर लेता हूं। अरे अरे, इतनी शुद्ध हिंदी मत बोल, नहीं तो पंडित जी सम चुप रहिए, बड़े आदमियों के सामने जुबान नहीं खुलते। लगता है आप दोनों के आपस में अच्छी बनती है। इसके साथ रहकर तो मेरी सारी खूबियों में जंग लग गया। तो फिर हम तुम्हें इनके साथ नहीं रहने देंगे। ऐसा सितम भी न कीजिएगा सर्वाधिकारी जी, वरना हम दोनों तो सरस की जोड़े की तरह चीख चीख के मर जाएंगे। हम दोनों को सुल्तान ने याद किया है, हम लोग कली कर्नाटक के मोर्चे पर जा रहे हैं। तो फिर हम तुम्हें सुल्तान से मांग लेंगे, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसी क्या आवश्यकता आप पड़ी है पंडित जी? तुम्हें पूरी रियासत मैसूर का दौरा करना है, कॉर्नवालिस की फैलाई हुई अफवाहों का तोड़ करना है, लोगों में कौमी जागृति लाना है, युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए तैयार करना है। ये कार्य मैं कर सकूंगा पंडित जी? बिल्कुल, मैं जो तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ सर्वाधिकारी जी, इसका मेरे साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं जो कुछ भी भाषण करता हूँ उसमें इसके मशवरे बहुत होते हैं। लेकिन मैं तो सुल्तान के साथ रहकर शत्रुओं से लड़ना चाहता हूँ, उसका क्या होगा? सर्वाधिकारी जी, इसे लड़ना वड़ना बिल्कुल नहीं आता, इसका निशाना तो बिल्कुल चौपट है, गोली चलाता है इधर और जाती है उधर, तलवार तक तो उसने कभी म्यान से निकाल कर देखी नहीं कि होती कैसी है। तुम दोनों काम के आदमी हो, आज हमारी आजादी खतरे में है, देशवासियों को आज के हालात के बारे में बताना है, कल की ऊंच नीच समझाना है, उनमें भाईचारे की भावना बढ़ाना है, उनके मन से फिरंगियों, पेशवा और निजाम की संगठित सेनाओं का भय निकालना है, अपने राज, घर परिवार, मान मर्यादा और स्त्रियों की लाज रक्षा का जोश दिलाना है। इसके बाद रणभूमि में भी उतरने का अवसर मिलेगा। इस युद्ध का अंत तुरंत नहीं होने वाला।
बना दिए गए हैं। आज की परेड देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। I really am very, very happy। ऐसी अजीम फौज पर अंग्रेज कौम फक्र करेगी। हिंदुस्तान में किसी जनरल की कमांड में इतनी बड़ी फौज नहीं रही। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर सही, लेकिन इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पिछले लड़ाइयों से हमें बड़ा सबक मिला है। एंड वी मस्ट नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन, मिस्टेक्स व्हिच हैव कॉस्ट अस द वर्दी लाइव्स ऑफ मेनी जनरल्स एंड ऑफिसर्स। निजाम और पेशवा की फौजें भी अलग अलग हमला ना करें, बल्कि हमारे साथ रहे। बिल्कुल, और टीपू सुल्तान को कर्नाटक में पड़ने से न रोका जाए, बल्कि हम मैसूर पर हमला करें। इस तरह टीपू सुल्तान बौखला जाएंगे, या उन्हें कर्नाटक छोड़ना पड़ेगा या अपनी ताकत बांटना पड़ेगी। आपकी सलाह बहुत ठीक है। जनरल मेडर्स, गुज़िश्ता जंग में आपने और आपकी फौज ने मैसूर के सिटीजन्स पर जो जुल्म किए थे, वो इस जंग में पहले से और ज्यादा होना चाहिए। यस सर एक्सीलेंसी, ऐसे जुल्म ठाए जाएंगे जो ना पहले कभी देखे गए हो ना आइंदा कभी देखे जाएं। जो किले और बस्तियां बगैर किसी मुकाबले के सरेंडर हो जाएं, उन्हें अपने जागीर समझकर माफ कर दिया जाए। यस योर एक्सीलेंसी, हमने पूरे मैसूर में जासूस फैला दिया है जो वहां के लोगों के दिलों में हमारा खौफ बैठा रहे हैं, टीपू सुल्तान से नफरत दिला रहे हैं। Perhaps Tipu Sultan will be unable to counter this strategy. मुगलाई पास? यस योर एक्सलेंसी, इसी को मुगलाई पास कहते हैं। अंदर बहुत तंग है और रास्ता भी बड़ा ऊंचा नीचा है। इतने बड़े लश्कर को इसमें से गुजार ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। सिपाही के लिए कई काम मुश्किल नहीं होता। मेडोज, यू शुड हैव बीन अ टीचर नॉट अ सोल्जर। योर एक्सलेंसी, इस जगह से सल्तनत खुदादाद की सरहद शुरू होती है। इस मुगलाई पास के उधर हमारी मंजिल है। हम कोलार को सबसे पहले रोम देंगे। फॉरवर्ड। Thank you.
लगता है फिरंगियों का लश्कर आ रहा है। फिरंगियों का बहुत भारी लश्कर हमारे किले की तरफ आ रहा है। सरदार, हम लोगों की इस टिपिकल फौज के सामने कोई गिनती नहीं, लेकिन बगैर लड़े किला उनके हवाले नहीं करेंगे। इससे पहले तुम उनके पास जाके ये मालूम तो करो कि वो क्या चाहते हैं। अरे किला चाहते हैं और क्या चाहते हैं, इसमें मालूम करने की बात ही क्या है। जो तुम समझ रहे हो वही हम समझ रहे हैं, लेकिन कायदा कानून भी कोई चीज होती है। दूसरी ये कि अगर तुम जाओगे तो उन लोगों को ये पता भी नहीं लगेगा किले में कितनी फौज है। ठीक है, मैं जाता हूँ। संभल कर, सफेद झंडा बुलंद कर लेना। जनरल मैटर्स, इससे कह दो कि हमारे मर्ज के सामने दुनिया का कोई असूल और कानून नहीं चलता। ये सल्तनत खुदादाद की सरजमीन है, तुम लोग उल्टे पैरों यहां से वापस हो जाओ। हम जिस जमीन पर कदम रखते हैं वो हमारे हो जाते हैं। अब तुम हमारी जमीन पर हमारी इजाजत के बगैर खड़े हो। अगर जिंदगी चाहते हो तो हथियार डाल दो। हम अपने सरदार से पूछकर ही जवाब दे सकते हैं। तुम लोग यहीं ठहरो, हम आते हैं। किसे कहते हो कि हम इसके पीछे आएंगे? हमें जवाब नहीं, किला चाहिए। खबरदार, जो हमारी इजाजत के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ा तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। यज़ीद का काम किया है, दुनिया की तारीख गवाह है। एलची को सिर्फ उसके दरबार में कत्ल किया गया था। मैंने उसका सफेद झंडा जमीन पर गिरने के बाद उस पर गोली चलाई है। उसकी तलवार का होना गवाह है। वो एलची नहीं, सिपाही था। शहर को लूट कर आग लगा दो। हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि अचानक निजाम के वजीर आजम मुशीरुल मुल्क को हमारे पास आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। ये तो उनसे भेंट करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन निजाम का अपने मुशीरुल मुल्क को हमारे पास भेजना ये कोई साधारण बात नहीं है।
इसमें कोई रहस्य जरूर है। ठीक है, आप उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आए। जो आगे आइए। नमस्कार। आदाब सर। आइए। हुजूर निजाम बंदेगानी आली आसिफ जय बहादुर ने पेशवा साहब की खिदमत में अपना सलाम भेजा है और दरियाफ्त फरमाया है कि अब उनका मिजाज कैसा है। हैदराबाद के सभी अवाम और दरबारी सरकारी लोग उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। धन्यवाद। पेशवा साहब पर श्री की कृपा है। मराठा राज्य में राजा और प्रजा सभी हुजूर निजाम की तंदुरुस्ती और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। इस मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपका यहाँ अचानक आने का कारण स्पष्ट करेंगे? नाना साहब, अगर हमारी गुफ्तगू तन्हाई में हो तो। आइए आइए आइए, पधारिए। बात ये नाना साहब, हुजूर बंदगाने आली का ख्याल है कि हैदराबाद और पुणे के अलावा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो ताकतें हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी सल्तनत खुदादाद। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी दोस्त है और सल्तनत खुदादाद हम तीनों की दुश्मन, और हम तीनों संगठित होकर सल्तनत खुदादाद के विरुद्ध रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए हुजूर निजाम चाहते हैं कि अंग्रेजों से मुआहदा होने से पहले अपनी अपनी शक्तियां हमें एक दूसरे के सामने रखते हैं तो बेहतर है। इस जानकारी से ना तो हमें कोई लाभ होगा न ही आपको। लेकिन अगर अंग्रेज हम दोनों की मदद से टीपू सुल्तान पर फतह हासिल करने के बाद अपने वादों से फिर गए तो हम दोनों को आपस में एक दूसरे की मदद करना होगी, इसीलिए ये जरूरी है। पहले टीपू सुल्तान पर फतह हासिल तो हो जाए। बेशक, उसके बाद माले गनीमत से आप अपनी वो सारी रकम वसूल कर लीजिए जो हैदर अली ने आपको चौथ अदा करते रहने के वादे पर अपने इलाके वापस ले लिए थे और टीपू सुल्तान ने उनकी अदायगी रोक रखी है, और हम सारी वो रकम वापस ले लेंगे जो अब तक इस जंग में अंग्रेजों पर खर्च करते रहे। फिर जो बच जाए हम तीनों आपस में उसे बांट ले। क्या ये संभव है? अगर आप हमारा साथ दें तो ये नामुमकिन भी नहीं। और कुछ? इलाके की तकसीम के वक्त आप ये ख्याल रखें कि अंग्रेज हमें और आपको बंजर और पथरीली जमीन देकर सरखेज जमीन खुद अपने लिए न रख लें। और दावाने जल्द ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जाए ताकि उसके बाद टीपू सुल्तान फिर कभी सर उठाने के काबिल न रहे। हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन ये बातें शायद संभव ना हो। क्यों? पहला और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस युद्ध का अंत क्या होगा, जो ना तो हमें मालूम है न ही आप। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमने अपने एक भाई के विरुद्ध विदेशियों से हाथ मिलाकर क्या अक्लमंदी का काम किया है या नादानी का? ये तो बड़ी समझदारी की बात है। ताकतवर दुश्मन का रहना खतरे से खाली नहीं। कमजोर और खुदगर्ज दोस्त का होना भी खतरे से खाली नहीं है। आपस का झगड़ा आपस में चुका लेना ही उचित है। दूसरे से फैसला कराना अपनी कमजोरी का उसे एहसास दिलाना है, जो किसी समय भी अपने लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब तक आपने किसी बात का खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कुछ मैं समझ सका हूं उसमें हुजूर बंदगाने आली और अंग्रेजों के लिए खुशी की कोई बात नहीं। हम समय से पहले ना तो किसी बात की खुशी मनाते हैं ना ही गम करते हैं। तो फिर
टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद ही इस मसले पर हमें तबादला ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इजाजत। नमस्कार। मैं अपनी तकरीर के आखिर में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको अपना वतन प्यारा है या नहीं? वतन प्यारा है। आपको आजादी पसंद है या गुलामी? आजादी। आप अंग्रेजों से डरते हैं या अपने सुल्तान से मोहब्बत करते हैं? हम सुल्तान से मोहब्बत करते हैं। आपको जिल्लत पसंद है या इज्जत? इज्जत, इज्जत, इज्जत। तिरंगी सिपाही और अंग्रेजी अफसरों से अपनी औरतों और लड़कियों की इज्जत आबरू के लिए हमें कुर्बानी देना होगी। अपने जवानों को फौज में भर्ती करना होगा। हम सब फौज में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सलाउद्दीन है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। आपने बड़ी जोशीली तकरीर की, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके आने से पहले ही आपका नाम हम तक पहुंच गया था। आपकी जबान में उस परवरदिगार ने बड़ा असर दिया है। हर जगह सुल्तानी लश्कर में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। मेरे भी दोनों बेटों अनवारुद्दीन और अल्ताफ को अपनी लक्ष्मण सेना में भर्ती कर लीजिए। लक्ष्मण सेना नहीं, टीपू सुल्तान सेना। टीपू सुल्तान सेना सुल्तान के साथ है। दो नौजवान लक्ष्मण राव की आवाज पर जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी फौज को तो लक्ष्मण सेना ही का नाम देना चाहिए। चचाजान, आपकी दो औलादे हैं, एक को हमें दे दीजिए और दूसरे को अपने पास ही रखिए। नहीं बेटे, नहीं। खुदा की राह हो या वतन की राह, कुछ बचा कर ना रखना चाहिए, सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। जाओ बेटे, जाओ। Thank you.
दुश्मन का कैसे शहर है? योर एक्सीलेंसी, इस शहर का नाम होस्कोट है। इस शहर की तकदीर भी किरुला की किस्मत से मिला दी जाए। कासिद को बुलाओ। यह पैगाम निहायत राजधारी के साथ सुल्तान को पहुंचाना है। अगर मौत भी तुम्हारा पीछा करे तो तुम्हें उससे भी उस वक्त तक लड़ना है जब तक ये पैगाम तुम सुल्तान को न पहुंचा दो। भगवान की कृपा से मनुष्य का प्रयास सफल होता है। हर 5 कोस के बाद चौकी पर तुम्हें ताजा दम घोड़ा मिलेगा। सुल्तान आरकोट से कडल्लूर की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम पनार नदी के किनारे किनारे चलकर उन तक आसानी से पहुंच सकते हो। अभी तक टीपू सुल्तान को खबर ही नहीं कि हम उनके कितने शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। वो समझ रहे होंगे किसकी कसर कर्नाटक और मद्रास के इलाकों पर कब्जा करके पूरी कर लेंगे। वो कसर तो पूरी क्या करेंगे, हम जरूर श्रीरंगापटना पर कब्जा कर लेंगे। बेशक जेंटलमैन, हमें जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए। श्रीरंगापटना पर टीपू सुल्तान आसानी से कब्जा नहीं होने देंगे। A lot of bloodshed. Your Excellency, Bangalore का किला यहाँ से 2 कोस की दूरी पर है। हमारी खुश नसीबी हमसे 2 कदम आगे चल रही है। कोला, हिस्कोट, लटको और कृष्णपुरम के बाद अब बेंगलोर पर हमारा झंडा लहराने वाला है। Gentlemen, let's set camp.
सरदार, तिरंगी फौज किले से 1.5 कोस के फासले पर पड़ाव डाल चुकी है। तो भेड़िए यहां तक पहुंच ही गए। जी सरदार। खैर, बहादुर खां उनके दांत तोड़ने के लिए अभी जिंदा है। सारा शहर लूटकर आग लगा दी गई है और नौजवान शहरियों को कैद कर लिया गया है। के मुताबिक बेंगलोर का किलादार बहादुर खान है। यस सर। बट सर, ही इज अ 70-year-old मैन। इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर जेंटलमैन। टीपू सुल्तान के पास अच्छे और एक्सपीरियंस कमांडर्स और किलेदारों की कमी नहीं। फिर उन्होंने इस 70 साल के बूढ़े को अभी तक रिटायर क्यों नहीं किया? There must be something to it. वो बड़ा निडर और जियाला आदमी है। सिर्फ निडर और जियाला होने से मैदाने जंग में कामयाबी नहीं मिलती। उसके लिए जंगी चाले चलना भी आना जरूरी है। दुश्मन फौज के जनरल्स की चालों को फौरन समझ लेना है। मेरे ख्याल में हम अब तक जिस तरह दूसरे किले फतेह करते आए हैं, बेंगलोर का किला उतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। मुमकिन है इस किले के लिए हमें कुछ कुर्बानी करनी पड़े। नॉट जस्ट अ लिटल बट अ ग्रेट डील। किसी 70 साल के बूढ़े को सरदारी सौंपने का मतलब है वो 70 जवान सरदारों पर भारी है। जेंटलमैन, मोर्चाबंदी सोच समझ कर की जाए। हमला चारों तरफ से किया जाए। एम्यूनिशन की परवाह न की जाए और हिंदुस्तानी सोल्जर्स को आगे रखा जाए। हम इस किले को फतेह करने के लिए 1 हफ्ते की मुदत देते हैं और मोर्चा बनने के लिए 3 दिन। इज दैट क्लियर? Thank you.
श्रीरंगपटना की क्या खबर लाए? सब खैरियत से। सर्वाधिकारी जी का खत लाया। वली अहद, शहजादा फतेह हैदर और दोनों छोटे शहजादे खैरियत के साथ बेंगलोर से श्रीरंगपटना पहुंच गए। जब तुमने श्रीरंगपटना छोड़ा उस वक्त कॉर्नवालिस के बारे में तुम्हें क्या मालूम था? उतना ही जितना सर्वाधिकारी जी ने लिखा है, लेकिन रास्ते में इतना और पता चला है कि लटकू और कृष्णापुरम पर भी फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है और अब बेंगलोर पर हमला करने वाले हैं। कॉर्नवालिस कोलार से बेंगलोर तक पहुंच गया और हमारे जासूसों को पता ही नहीं चला, या जानबूझ के हमें खबरें नहीं पहुंचाई गई। आजकल नमक हरामी भी वबाई बीमारी की तरह फैल रही है सुल्तान। काजी बाबा, सारे जासूसी दस्तों के सरदारों को फौरन बदल दिया जाए। हम अपने साथ गद्दारी माफ कर सकते हैं, लेकिन वतन के साथ गद्दारी नाकाबिले बर्दाश्त है। हर गद्दार को तहकीकात के बाद कत्ल कर दिया जाए। सुल्तान बजाय इरशाद फरमाते हैं, बहादुर खान को कमक पहुंचाने के बारे में क्या हुक्म है? हमें खबर बड़ी देर से मिली, लेकिन बहादुर खान की बहादुरी से हमें उम्मीद है। उनके जिंदा होते हुए अंग्रेज बेंगलोर पर कब्जा नहीं कर सकते। कूच की तैयारी की जाए। हम खुद बेंगलोर जाएंगे। Thank you.
चोरी चोरी यहाँ आ रहा था, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये आपको कुछ काम की बातें बताना चाहता है, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या बताना चाहते हो? गुलाम यहाँ का नायक किलेदार है, अंग्रेज अफसरों का पुराना नमक खुआर है। राज की बातें सबके सामने तो नहीं बताई जाती है। Have you searched him? Yes, sir. हर तरह से इत्मीनान कर लिया। तुम जा सकते हैं। आपका है, क्या आप कहना चाहते हैं? किले का नक्शा, इसमें किले की पश्चिमी दीवार पर निशान लगा दिया गया है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, उसे थोड़ी सी गोलीबारी से आसानी से ढाया जा सकता है। हम तुमको खुश कर देंगे और तुम्हें हमेशा हमारी सरपरस्ती हासिल रहेगी। शुक्रिया हुजूर। Oh!